अच्छा है सीन, अपने मंदिर का सीन अच्छा आ रहा है पीछे, तो ये हटा दो, हटा दो। संतप्त मानस शांत हूँ, जिनके गुणों के गान में विवर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। सैतालीस शक्तियों के बाद जो उपसंहार के कलश आ रहे हैं उनमें 266, 267 और 268, इनको कल अपन ने पढ़ा था है? इन कलशों में क्या कहा गया है उसके सार के बारे में लिखा है पेज नंबर 631 समय सार में। उक्त कलशों में प्रकट की गई आचार्य श्री की भावना का सार यह है कि स्यादवाद की प्रवीणता अर्थात ज्ञान नय और सुनिश्चल संयम अर्थात क्रिया नय के आश्रय से जो अपनीत मोही साधक निज आत्मा की साधना करते हैं उनके साधक भाव का सुप्रभात होता है और वे साधक शीघ्र ही सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं और आत्मा को प्राप्त न करने वाले अज्ञानी अज्ञान की काली रात्रि के घने अंधकार में विलीन होकर संसार में परिभ्रमण करते हैं। ये स्यादवाद अधिकार था ना, और उसके बाद में उपाय उपेय अधिकार, तो कहते स्यादवाद की प्रवीणता, ये लिखा ना, स्यादवाद की प्रवीणता का मतलब है ज्ञान नय और सुनिश्चित संयम का आज अर्थ है क्रिया नय। अब ये ज्ञान नय और क्रिया नय इन दोनों की तीव्र मित्रता इस समय सार के इस प्रकरण में बताई है। प्रवचन सार में और जरा खोल के ज्यादा उसमें पंचास्तिकाय में बात है तो वो यहाँ ये कहते हैं कि स्यादवाद की प्रवीणता का मतलब है ज्ञान नय। ज्ञान नय ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा ऐसा एक सूत्र अपने यहाँ चलता है, खासकर राजवार्तिक में आया है। तो ज्ञान माने क्या और क्रिया माने क्या, तो जगत के बहुत लोग ये ज्ञान माने जो शास्त्रों से हमने पढ़ करके जाना है ना, इसको बोलते हैं ज्ञान और फिर महाव्रत आदि की क्रिया, व्रत उपवास आदि की क्रिया, इसको बोलते हैं क्रिया रहे। और वो ये कहते हैं कि इन दोनों को होना चाहिए क्योंकि इसमें लिखा है कि ज्ञानक क्या क्या पढ़ रहे थे, स्यादवाद यही पढ़ रहे थे, स्यादवाद कौशल सुनिश्चय संयमाभ्याम, स्यादवाद की कुशलता और निश्चल संयम। तो वो ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, आत्मा को जानना, त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानना ये है ज्ञान और उसी में जम जाना रम जाना ये है क्रिया। मन ध्यान है क्रिया क्योंकि ध्यान चारित्र गुण की पर्याय का नाम है और ज्ञान ज्ञान गुण की पर्याय का नाम है। तो सब में ज्ञान मन साधवाद से जो की प्रवीणता से जो ज्ञान होता है वो सम्यक होता है, तो सम्यक ज्ञान
और उसी में निश्चल सुनिश्चल संयम। अब संयम के बारे में कोई ध्यान को तो संयम समझता ही नहीं है, संयम के बारे में बस व्यर्थ अनुव्यर्थ महाव्यर्थ तो ये बाहर की जो क्रियाकांड हैं इसको वे संयम समझते हैं। संयमी जीव के ये सब भी होता है यदि उन्हें सम्यक ज्ञान हो जाने के बाद अधिक काल तक इस संसार में रहना पड़े तो उनका वो संयम का रूप और प्रकट रूप से दिखाई देता है। लेकिन असली संयम है ध्यान। तो यदि वो आत्मा को जाने और जानकर अंतर मुहूर्त के लिए आत्मा में ही जम जाए तो वो संयम हो गया और वह केवल ज्ञान हो जाता है। तो वहाँ वो संयम का जो वो रूप है जिसे सारा जगत संयम कहता है वो देखने दिखाई नहीं देता। इसलिए जब वो कहते हैं कि ज्ञान और क्रिया नहीं की मित्रता है तो वो क्या समझते हैं कि हमको तो दोनों पालना चाहिए, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, गुरुमुख से पढ़ रहे हैं, तो ये हो गया ज्ञान और बस हमने ये क्रिया पाल ली जो भी अनुव्रतों की महाव्रतों की श्रावकों की और मुनि धर्म की क्रियाओं का वर्णन चरणानि योग में है। और वो दो रूप हैं, एक तो शुभ क्रिया रूप और एक शुभ भाव रूप। आत्मा में जो शुभ शुभ राग रूप परिणाम हैं उनको भी, और दूसरी जैसे मैंने कहा था कि नहाना धोना फिर पूजा पाठ करना इस थाली का माल इस थाली में करना, वो जो भी क्रियाएं होती हैं मुनि धर्म की और गृहस्थ धर्म की उनको क्रिया माने उस चारित्र उसको मानते हैं। देखो चारित्र तो होता है वीतरागता का नाम है और राग तो वास्तव में चारित्र का विरोधी भाव है। तो एक तो वो राग जो विरोधी भाव है उसको हम चारित्र मानते हैं और जो दूसरे परिद्रव्य की जड़ की क्रिया है उसे चारित्र मानते हैं। और जो चारित्र वीतराग भाव है उसकी तो बात ही नहीं करता कोई। क्या बहुत स्पष्ट है ना, ये प्रकरण कोई ज्यादा कठिन नहीं है, अत्यंत सरल है। फिर भी एक तो अनादिकालीन अभ्यास और दूसरा एकदम चारों तरफ का वातावरण जो उन्हीं चीजों को चारित्र मानता है तो उससे हम इतने अधिक गहराई से प्रभावित हो जाते हैं कि हमारा ध्यान जब उन शब्दों का प्रयोग होता है तो उन्हीं की तरफ जाता है। और सारा जगत में तो लोग वही मानते हैं, अपने यहाँ तो इस तत्व ज्ञान का इतना विश्लेषण होता है तो उससे आप लोग अपने ज्ञान में ऐसा समझ लेते हैं कि असली वीतराग भाव चारित्र है आसानी से। लेकिन यदि वही वातावरण हो और इतनी घुटाई इधर नहीं हो तो आप नहीं समझ लोगे आपके पल्ले ये बात आएगी। वैसे आपको लग सकता है कि एक ही बात को बार बार कह रहे, एक ही बात को बार बार कह रहे, सुबह से लेकर के शाम तक जो आता है वो आता है, यही बात बताता है, यही बात बताता है ना। तो उसका प्रताप है कि हमारे लिए इतनी ये सहज लगने लग गई है और हमारे लिए कोई ये बहुत बड़ी बात नहीं लगती है। सारे लोक में तो इस शब्द का गुरुदेव की भाषा में कहूँ तो काने पड़ना दुर्लभ है, माने उनके तो कान में भी ये बात नहीं पड़ती है। क्या कि ये जो अनुवृत्त महावृत का जो स्वभाव है ये राग है और ये चारित्र का विरोधी भाव है, चारित्र नहीं है। क्योंकि चारित्र वीतरागता का नाम है। अब अगर समय सार में लिखा समय सार तत्वार सूत्र में ये जो आश्रव अधिकार में अनुवृतों को रखकर उनने अधिकार के नामकरण से ही ये बात आपको बता दी कि ये आश्रव भाव है और आश्रव भाव तो राग भाव का नाम है ना। आश्रव अधिकार है ना, आप अधिकारों का बंटवारा तो आपको मालूम होगा ना तत्वा सूत्र का। शुरू के चार अध्यायों में जीव का वर्णन,
पांचवें अध्याय में आजीविका वर्णन और छठवें और सातवें अध्याय में आश्रम का, छठवें में कॉमन आश्रम जिसमें सुबह सुबह का भेद नहीं है, और सातवें में शुभाश्रम। तो उस सातवें में अनुवृत्त का वर्णन है, और अनुवृत्त की पांच भावनाएं, पांचों अनुवृत्तों के अतिचार हरेक के, ये सब बातें बताई ना साथ में। तो ये सब शुभ भाव और शुभ क्रिया रूप बातें हैं, तो ये आश्रम अधिकार में रखा उन्होंने। और फिर उसके बाद में बंध अधिकार जिसमें कर्मों का वर्णन है, और फिर संबर अधिकार जिसमें गुप्ती समिति का वर्णन है, वहाँ पर अनुवृत्त महावृत्तों का वर्णन नहीं है। बुद्धिपूर्वक देखो, अनुवृत्तों महावृत्तों को तो वो आश्रव अधिकार में मानते हैं, बंध अधिकार में मानते हैं। अब इतना स्पष्ट सिर्फ अधिकारों के नाम से है, और अंदर ने जो बात कही है उससे तो स्पष्ट है ही है, अब फिर भी हमारा ध्यान नहीं जाता अनादिकाल के अभ्यास के कारण, न किसी पढ़ने वाले का, ना पढ़ाने वाले का, ना अध्यापक का, ना साधु का, ना संत का, समाज में किसी का भी ध्यान उस पर नहीं जाता। मैंने वो समय सार की बात तो नहीं बोलते, तत्वासूत्र की बात है ना, और उसमें भी तो उक्त कलशों में प्रकट की गई आचार्य श्री की भावना का सार यह है कि स्यादवाद की प्रवीणता अर्थात ज्ञान नय है ना। स्यादवाद की प्रवीणता को मन सच्चाई से स्यादवाद को जाने और उसके द्वारा वस्तु का स्वरूप जाने, ये ज्ञान नय और सुनिश्चल संयम, उसमें सुनिश्चल संयमाभ्याम, सुनिश्चल संयमाभ्याम, ये द्वितीया का द्विवचन क्यों दिया है। तो एक वो ज्ञान कौन स्यादवाद से समझ पर ज्ञान, स्यादवाद की प्रवीणता से ज्ञान ज्ञान नय और सुनिश्चल संयम इसका नाम क्रिया नय, और इन दोनों से अपनीत मोही जिसने मोह को नष्ट कर दिया है, कम कर दिया है ना। साधक निज आत्मा की साधना करते हैं, उनके साधक भाव का सुप्रभात होता है, उनके साधक भाव का सुप्रभात होता है माने सवेरा होता है, सवेरा होता है माने सूर्य की किरण उगती है, जब लाल लाल होता है ना वो, और जब सुबह का सूरज उगेगा तो वो छह घंटे के भीतर बिल्कुल अपने अंतिम बिंदु पर पहुंच जाएगा एकदम तेज सूरज की रोशनी में। तो वो कहते हैं जब वो तो सुप्रभात हुआ है तो 12 बजे जाकर के एकदम वो तप जाएगा, तो वो इस ज्ञान का सुप्रभात हुआ है तो आगे जल्दी से जल्दी केवल ज्ञान रूप प्रणमित हो जाएगा है ना। वो साधक भाव का सुप्रभात होता है, और वे साधक शीघ्र ही सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं, उस सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं माने शाम हो जाती है, सूरज अस्त हो जाता है वो तो कम होता है, वो तो 12 बजे वो ही सिद्ध दशा को उन्हें प्राप्त कर लिया, टॉप मोस्ट पे पहुंच गए ना अपने टॉप पर। तो जिसका सुप्रभात हुआ है तो उसके 12 बजने ही वाले हैं गारंटी से, ख्याल में है ना। जैसे गुरुदेव बोलते हैं कि बीज उगी है तो पूर्णमासी आएगी आएगी और आएगी, आप जानते हैं बदी और सुदी, कृष्णा और शुक्ला पक्ष होते हैं ना दो, तो कृष्ण माने काला और शुक्ल माने सफेद, तो काला पक्ष और सफेद पक्ष, तो जब अंधेरी रातें होती हैं तो उसे काला पक्ष बोलते हैं, और जब चांदनी होती है तो उसे शुक्ल पक्ष बोलते हैं। तो ये है चंद्रमा की 16 कलाएं होती हैं, जानते हो कौन कौन सी, बहुत सरल है कि ये आप देखना कि
सुदी की पड़मा आएगी ना शुक्ल पक्ष की, तो उस दिन चंद्रमा की जैसा रहेगा दूज के दिन उससे बदल जाएगी पोजीशन, फिर तीज के दिन उससे पोजीशन बदल जाएगी, फिर चौथ को बदल जाएगी, फिर पंचमी को बदल जाएगी, है ना। एक तो वो आकार में बदलता जाता है जो आप देखते ही हो, और दूसरे कि वो उतनी जल्दी उगता जाता है। ऐसे होते होते पूर्णमासी में 15 दिन में जा करके एकदम पूरा चंद्रमा खिल जाता है। तो 15 दिन की हुई तो ये 15 कलाएं तो ये हुई चंद्रमा की, मैंने 15 दिन में उसने कलाबाजी की, मैंने वो बिल्कुल अलग अलग कलाओं में दिखा, अलग अलग मुद्राओं में दिखा, ख्याल में ना। और एक कौन सी है, अमावस, कि जब वो चंद्रमा गायब ही है, ये भी उसकी एक कला है, पूरा गायब हो जाना भी है? पूरा खिल जाना भी उसकी एक कला है, और पूरा गायब हो जाना भी एक कला है, देखो उसको भी गिना ना। तो ऐसे 16 कलाएं ये मानी जाती हैं चंद्रमा की। तो जो शुक्ल पक्ष का चंद्रमा निरंतर बढ़ता है और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा निरंतर घटता है। एक बात आपने और देखी होगी कि शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा है वो पूरब में उगता है और कृष्ण पक्ष का चंद्रमा वो पश्चिम में उगता है। अरे कैसी बात करते हो, कैसे वो कहेगा, क्योंकि वो डूबा है ना, गायब हुआ है, फिर वो धीरे धीरे वो बढ़ेगा, थोड़ा 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 बढ़ेगा। तो ये तो शाम को बढ़ती है क्या, और वो सुबह से उगती है कृष्ण पक्ष जी, तो शाम से तो घना अंधेरा होगा और सुबह धीरे धीरे आएगा, तो 5 बजे 4 बजे 3 बजे 2 बजे फिर उसका उजेला बढ़ेगा और उसका आकार बढ़ेगा। अब वो जिस आकार में होता है, जैसा ये आकार है ना, ऐसा आकार होता है ना उसका, समझ गए ना तुम, ऐसा 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 देखा, उसमें भी जितने दिन होते हैं उतने आकार होते हैं। कितने आकार होते हैं, वो जो ऐसा है ना, तो अब आपको दिखता है ऐसा ही है, लेकिन कभी इसकी ये नोक ऊपर होती है, कभी ये नोक ऊपर होती है, कभी देखना। दोज के दोज को चंद्रमा खिलेगा तो उसमें देखना कि कौन सी नोक ऊपर है, और रोजाना में वो परिवर्तन आएगा, तीज में, चौथ में, पंचमी में, सप्तमी में, तो स्पष्ट दिखने लगेगा कि वो ऐसा हो गया है तिरछा, तो ये हिस्सा ऊपर है, ये हिस्सा नीचे है। लेकिन दोज के दिन ये डिसीजन करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि होता तो ऐसा अवश्य है कि उसमें एक नोक जो है वो ऊपर होती है और एक नोक नीचे होती है, लेकिन वो इतना कम अंतर होता है कि हम निर्णय नहीं कर पाते। और वो ज्योतिषी लोग उसके आधार पर कि वो नोक कितनी ऊपर है, किस दिशा में है, कैसी है, सैकड़ों ज्योतिष के फलित बताते हैं, जैसे बरसात ज़्यादा होगी किसानों को फायदा होगा, व्यापारी को परेशानी में पड़ेंगे, वो सब। माने कहने का मतलब ये है कि 30 दिन में वो 30 रूप धारण करता है चंद्रमा भी, और सूरज 30 दिन में एक ही रूप धारण करता है, एक सा रहता है। तो चंद्रमा के हिसाब से महीने का तय होता है, पक्ष और महीना, 15 दिन एक शुक्ल पक्ष और एक मास महीने का जो निर्णय होता है वो चंद्रमा की कलाओं की वजह से होता है। इसलिए उसको आपने कभी वो पढ़ा हो, पंचांग देखा हो, तो उसको चांद्र मास ऐसा लिखा रहता है, माने चंद्रमा से उत्पन्न हुआ उसका नाम है महीना। अब सूरज से आयन और वर्ष होते हैं, आयन जानते हो, नहीं जानते, ऋतु होती ना ऋतु, ऐसा आयन होता है, 6 महीने का उत्तरायण,
और 6 महीने का दक्षिणायन, समझ में आया? दो अयन हैं, वो 6-6 महीने के होते हैं और उससे बरस का निर्णय होता है। अब जैसे चंद्रमा का 15 दिन में ये कलाएं दिखाई थी ना, तो सूरज जब उत्तरायण में शुरू होता है, कब? संक्रांति के समय पे, मकर संक्रांति होती ना, तो सूरज दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाता है। तो उत्तरायण में क्या होता है, जैसे अभी ये सूरज ऐसा, अपन जानते हैं ना, ऐसा आता है ऐसा डूबता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब वो दक्षिणायन में होता है तो ऐसा तिर से ऐसा जाता है, ऐसा जाता है। जब उत्तरायण में होता है तो ऐसा जाता है, जानता है? नहीं, अब देखना, अब कैसे मालूम पड़ेगा कि जैसे आप अपने अपने कमरे में बैठे हैं और दक्षिण की तरफ उसका मुख है, तो जब सूरज दक्षिणायन होगा तो धूप अंदर आ जाएगी, और जब उत्तरायण होगा तो कभी धूप नहीं आएगी उसमें, क्योंकि वो ऐसा निकलेगा, उसका मुख दक्षिण की तरफ है। उत्तर की तरफ मुख है तो उत्तरायण में धूप आएगी और दक्षिणायन में नहीं आएगी। अब वो भी फिर एक एक दिन में उसका स्वरूप बदलता है, जैसे एक 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 सेकंड, एक एक मिनट, आधा आधा मिनट बढ़ता जाता है ना, सूर्य जल्दी उगता है, जल्दी अस्त होता है, ऐसे बढ़ते बढ़ते और फिर जा करके वहाँ पहुँच जाता है कि जब 23 जून को दोनों बराबर हो जाते हैं, और यहाँ पर दिसंबर में 23 दिसंबर को बराबर हो जाते हैं, और फिर यहाँ घटते बढ़ते रहते हैं। तो ये सूरज तो पक्ष का निर्णय होता है चंद्रमा से, मास का और अयन का, और वर्ष का निर्णय होता है सूरज की गति से। अब फिर 100 वर्ष, फिर ऐसे 1000 वर्ष, ये सब के नियम और हैं बहुत लंबे लंबे, कि एक सुनिश्चित नियम के अंदर वो घूमता है। यद्यपि वो रोज ही ना बदलता है, लेकिन वो एक सुनिश्चित क्रम में ही बदलता है। वो बदलना भी उसका नक्की है कि कब कितना बदलेगा, किस रूप में आएगा, वो पता लगता जाता है कि रोजाना। गुरुदेव श्री, एक आप जानते हो, गुजरात में और हिंदी प्रांत में एक अंतर है। गुजरात अपन क्या मानते हैं ना, पूर्णमासी के दिन महीना पूरा होता है ना, ये सावन महीना है, तो सावन एकम जो कृष्ण पक्ष से शुरू होगी, 15 दिन तक कृष्ण पक्ष चलेगा, फिर शुक्ल पक्ष आएगा, फिर अंत में पूर्णमासी आएगी, तो हम कहेंगे महीना पूरा हो गया, अब नया महीना आएगा। लेकिन गुजराती लोग, उनका अमावस्या के दिन महीना पूरा होता है। ये सुना है कभी तुमने? ये दीपावली के दिन उनका वर्ष बदलता है, अब वो अमावस के दिन है दीपावली, यानी उनके यहाँ सुदी पहले आती है और बदी बाद में, मान शुक्ल पक्ष पहले आता है और कृष्ण पक्ष बाद में आता है। इसलिए अपना हिंदी वालों का और गुजराती वालों का शुक्ल पक्ष तो एक होता है और कृष्ण पक्ष में 1 महीने का अंतर पड़ जाता है। जैसे अभी रक्षाबंधन आ रहा है ना, तो अपना बस भादो लग जाएगा उसके दूसरे दिन से, लेकिन इनका भादो नहीं लगेगा, तब 15 दिन तक सावन ही चलेगा, श्रावण चलेगा 15 दिन तक। तो गुरुदेव श्री कहते थे कि भई गुजराती लोग कहते हैं कि नहीं ये सही है, हिंदी वाले कहते हैं ये सही है, लेकिन सही कौन है? अब खुद तो गुजराती थे ना, फिर भी कहते थे हिंदी वाले जो कहते हैं वो सही है। तो गुजराती वालों को तो अच्छा नहीं लगेगा ना ये, तो वो तर्क देते थे कि उसको हम, जब वो आती है शुक्ल पक्ष के बाद, तो उसे हम पूर्णमासी ऐसा बोलते हैं, इसका अर्थ ये महीना पूरा हो गया, कि वो शब्द में ही ये है, और अमावस माने अर्धमासी, आधा महीना हुआ है, तो वो कहते वो शब्द में ही नक्की है, अर्धमासी और पूर्णमासी, और तुम अर्धमासी को तो पूर्णमासी कहते हो, महीना पूरा हुआ मानते हो,
पूर्णमासी को महीना को आधा हुआ मानते हो। ये सब चीजें ज्योतिष के हिसाब से एक सुनिश्चित हैं, तो निश्चित भी हैं, बिल्कुल पक्की, एक उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है, और प्रतिदिन बदल भी रहा है। ऐसे ये वस्तु का स्वरूप प्रति समय बदल भी रहा है और कभी नहीं बदलता है, ऐसा स्यादवाद यानी ज्ञान नय के द्वारा जाना जाता है। और क्रिया नय तो अब वो तो ये कहते हैं बाहर की क्रिया अणुवृत्त महावृत्त, और ये कहते हैं कि ओरी ज्ञान का अपने में स्थिर हो जाना, उसका नाम है ध्यान, वो है क्रिया। और जब ये ज्ञान और क्रिया नय दोनों पूर्ण हो जाएंगे तो गारंटी से केवल ज्ञान होके मोक्ष हो जाता है। इसलिए इन इसलिए ज्ञान क्रिया नय मोक्ष बोलते हैं। अब इतनी स्थूल बात उनकी समझ में नहीं आती कि ये जो अनुवृत्त महावृत्त राग शुभ राग रूप है ना, तो शुभ राग तो राग है ना, और वो धर्म वीतराग का रूप है, तो ये तो दोनों परस्पर विरोधी हुए। ये दोनों में मैत्री कैसे हो सकती है? तो इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि इनमें पंचास्त्रिकाय में भी है एक शब्द है, इसमें देखो कायम ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री मिल गया है, यही कहीं है। देखो बड़ो ये पेज नंबर पर 360 पर 660 पर 630 पर चौथी लाइन संस्कृत में ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री है ना। तो ये इंदौर आश्रम के जितने ब्रह्मचारी थे ना, जो कांजी स्वामी अध्यात्म के विरोधी भी नहीं थे और कांजी स्वामी की पूरी बातों से सहमत भी नहीं थे, तो वो ये छंद की पंक्ति बहुत बताते थे। ये लिखा है, जब मैं यहाँ जयपुर नहीं आया था, इंदौर में रहता था, तो कहते देखो कितना क्लियर लिखा है ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री। उसके पहले अशोकनगर में था तब भी कि ज्ञान निश्चय व्यवहार नय की तो परस्पर में तीव्र मित्रता है, और आप कहते हो विरोध है। तो मैं ये कहता था कि कौन ये ज्ञान नय और क्रिया नय कौन है? ज्ञान माने जानना, ये ज्ञान नय है, और जानते रहना माने ध्यान, ये क्रिया नय है। तो ये ज्ञान और ध्यान की दोस्ती है, इसलिए हम संतों को ज्ञानी ध्यानी कहते हैं। क्या नाम बोलते हैं? ज्ञानी ध्यानी। ये ज्ञान और ध्यान, तो इनमें मित्र मैत्री है। अब तुम तो राग और वीतरागता को मैत्री कह रहे, वे तो शत्रुता है वहां, तो शत्रुता है। तुम मैं कहते इसका अर्थ ये है, और वे कहते इसका अर्थ ये है कि अंदर में तुम आत्मा का अनुभव करो तो ये ज्ञान हो जाएगा, और फिर बस ये क्रिया कांड पालो तो ये क्रिया हो जाएगी। ये और एक आरोप लगाते थे कि एक चारित्र की उपेक्षा करते हैं, क्योंकि चारित्र तो भी उसे मानते हैं ना। अब ये कहते हैं ज्ञान और क्रिया नय को कहीं कहीं मित्रता भी कही है। कौन से? अब उसको कौन सा व्यवहार वाला, अनुवृत्त वाला और महावृत्त वाला, तो उसको कैसे घटित करना? जब उसको मानना हो हमें क्रिया, और आत्मा के ज्ञान को मानना हो ज्ञान, तो क्या कहते हैं कि चौथे गुण स्थान में आत्मज्ञान हो गया, और जब तक सिद्ध दशा प्राप्त नहीं हुई तो उस काल में वहां अनुवृत्त महावृत्त का राग भी रह सकता है, माने स्वभाव, ये स्वभाव है ना, ये शुभ राग भी वहां रह सकता है, और अनुवृत्त महावृत्त की क्रिया भी वहां मनुष्य पर्याय में देखी जा सकती है। तो कहते मित्रता क्या है? तो कहते मित्रता के दोनों में परस्पर विरोध होने पर भी एक साथ रहने में कोई विरोध नहीं है,
इसे बोलते सह अवस्थान विरोध। लोग कहते हैं, कुछ लोग ऐसे होते तीव्र कसाई होते हैं ना, कि साहब वो आएगा तो मैं नहीं आऊंगा, मुझे बुलाना है तो उसको नहीं बुलाना। पहले शादी विवाहों में बहुत होता था, बहुत झगड़े टंटे इस बात के ही होते थे कि वो आ गया तो मैं नहीं आऊँगा। पंच भग जाते थे, एक रह जाते थे, उसे जाति के बाहर किया है, तुमने बुला कैसे लिया। आज भी ऐसे तीव्र कसाई लोग हैं कि वो कहते हैं उसको बुलाओगे तो मैं नहीं आऊँगा, मुझे बुलाओ तो वो नहीं आऊँगा। तो इसको बोलते सह अवस्थान विरोध। जैसे कहते हैं उजेला और अंधेरा, अब ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते, तो इनमें सह अवस्थान विरोध है। कई तरह के होते हैं विरोध, एक बद्ध घातक विरोध, कि एक बद्ध है और एक घातक है, शेर और बकरा, बकरा बद्ध है और शेर घातक है, तो दोनों एक पिंजरे में नहीं रह सकते। बद्ध घातक विरोध हो तो नहीं रह सकते, सह अवस्थान विरोध हो तो नहीं रह सकते। तो वो ये कहते हैं कि इन दोनों में ना सह अवस्थान विरोध नहीं है, उन दोनों को एक साथ रहने में कोई दिक्कत नहीं है, बस इसलिए मैत्री कहते हैं। कभी तो वो तो बहुत प्रेम से रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, उन्हें रहने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्यों, क्या है कि वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करता हूँ, राग अपना काम करता है क्या, और मैं अपना काम करता हूँ। कि क्या काम करते हो अपना अपना, कि वो राग कर्म को बांधता है और तुम कि मेरे कर्म को काटता हूँ। तो परस्पर विरुद्ध काम हो गया ना, जैसे वो बांधता उसे तुम काटते हो, नहीं नहीं वो बांधना उसका काम है और काटना मेरा काम है। क्यों, बड़ा भाई खेत बोता है, छोटा भाई काटता है, तो विरोधी है क्या भाई? वो खेती का अनाज हाथ में तो तब आएगा कि जब बोएगा और काटेगा। माने बोना और काटना ये दोनों परस्पर मित्रता वाले हैं, और उसे मित्रता भी कह लो विरोध भी कह लो। तो कहते हैं वहां सिर्फ इतनी बात जानकर, कितनी बात जानकर कि दोनों को साथ रहने में कोई विरोध नहीं है, हमने मैत्री कह दी है। अब मैत्री का तुम इससे ज्यादा अर्थ नहीं लगाना। अपन लोग कहते हैं ना कि हम तो हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान सब बहुत प्रेम से रहते हैं, क्या प्रेम से रहते हैं, महीनों से दूसरे को देखते नहीं है, क्यों एक दूसरे के मंदिर मस्जिद में जाते नहीं है, अरे लड़ते नहीं हैं, इसको हम प्रेम से रहना कहते हैं। जैसे और शहरों में दंगे होते हैं, ऐसे दंगे हमारे यहाँ नहीं होते हैं। वो हुआ था ना उस मोहल्ले में, अरे भाई एकाध हो जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे मेरठ में होते हैं, सहारनपुर में होते हैं, वैसे दंगे हमारे यहाँ नहीं होते हैं, इसको हम मित्रता से रहना कहते हैं। अब मित्रता के कितने अर्थ है अब समझ में आ गया ना। अब जहां जो अपेक्षा हो लगा लो, उसमें क्या दिक्कत है। तो अब जिसके कहते सुप्रभात होगा, काय का ज्ञान और क्रिया न्याय का, उनके गारंटी से सिद्ध दशा आएगी आएगी और आएगी। फिर पढ़ता हूं एक दफे, उक्त कलशों में प्रकट की गई आचार्य श्री की भावना का सार यह है कि स्यादवाद की प्रवीणता अर्थात ज्ञान नय और सुनिश्चल संयम अर्थात क्रिया नय के आश्रय से जो अपनी तमोही साधक निज आत्मा की साधना करते हैं, उनके साधक भाव का सुप्रभात होता है, वो साधक भाव शुरू होता है और वे साधक शीघ्र ही सिद्ध दशा को प्राप्त कर लेते हैं। और आत्मा को प्राप्त न करने वाले अज्ञानी अज्ञान की काली रात्रि में घने अंधकार में विलीन होकर संसार में परिभ्रमण करते हैं। एक बात खत्म। अब देखो, बहुत से लोग ज्ञान क्रिया नय की परस्पर तीव्र मैत्री का अर्थ ऐसा करते हैं कि आत्मा के ज्ञान और महावृतादि रूप बाह्य क्रिया में तीव्र मित्रता है।
लेकिन तो कुछ लोग ऐसा करते हैं, हमारी तो महीनों झगड़ा हुआ, चर्चा होती रोजीना बरसों तक। एक बाबा कुंजी लाल जी थे, एक बाबा छोटे लाल जी ब्रह्मचारी थे, एक भगत जी थे, प्यारे लाल जी भगत थे, एक परशुराम जी थे, एक चांदमल जी थे, आपके उदयपुर के सारे ब्रह्मचारी मेरे दादाजी की उम्र के थे, ये सब इंदौर के आश्रम में रहते थे। ये सब के सब पर्यूषण में चौमासे के लिए चार महीना अशोकनगर आके रहते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे वहाँ प्रवचन होते थे, सबको मेरे प्रवचन इतने पसंद थे, और रोजीना झगड़ा होता था। क्या रोजीना दिन भर बैठते थे, चर्चा करते थे और ये सब बात, लेकिन प्रवचन हम कहें बाबा जी आप करो, नहीं नहीं तो हम तो तुम्हारा सुनने आए, तुम करो। अभी तब से ये खेल हम खेलते आए हैं, माने करीब 17-18 वर्ष की उम्र से निरंतर, वो चार चार पीढ़ी बदल गई। वो जो बाबा जी के नाम मैंने गिनाए हैं ना, उन सब की अभी पांचवी पीढ़ी है। जैसे डॉक्टर हरिंद्र भूषण, उनके लड़के थे छोटे लाल जी के, हैं, और वो अभी होते होते उनकी तीसरी चौथी पीढ़ी होगी, तो भी हमसे बड़े हैं। सोनगढ़ में भी ऐसा था, राम जी भाई के साथ में दिन रात चर्चा होती थी, अब राम जी भाई के बेटे सुमन भाई वो भी हमसे पाँच पाँच दस दस वर्ष बड़े थे, अब उनके बेटे बेटे के बेटे कितने हो गए, पांच पीढ़ी हो गई है, भाग्य की बात है। समझ लो कि ऐसा कुछ सहज योग था, संयोग था कि जो छोटी पर उम्र में तो इस तत्व की पक्की रुचि हो गई, पकड़ हो गई, और सब पढ़ा था शास्त्रीय न्याय तीर्थ पहले पास कर लिया था, तो जैन धर्म के शास्त्रों का गहरा अध्ययन था ही। तुमको तो सब पढ़ा शुरू से ही, हमने तो जब बिल्कुल तत्व का कुछ पकड़ नहीं थी तब हमने पढ़ी थी, पढ़ के शास्त्रीय न्याय तीर्थ हो गए थे, ख्याल में आई ना, और बस उसके बाद में ये तत्व की बात आ गई, तो ये पकड़ में आ गई, तो इसके मिल गया दोनों का संयोग, और तब से फिर हमने दूसरी तरफ कहीं देखा ही नहीं, पढ़ने पढ़ाने के अलावा कुछ किया ही नहीं जिंदगी में, बस सोचते रहे पढ़ते रहे। देखो बहुत से लोग ज्ञान क्रिया नय की परस्पर तीव्र मैत्री का अर्थ ऐसा करते हैं कि आत्मा के ज्ञान और महाव्रतादि रूप बाह्य क्रिया में तीव्र मित्रता है और इनके द्वारा ही साध्य भाव की सिद्धि होती है, माने मोक्ष की प्राप्ति इससे ही, इन दोनों से ही मिलके होती है, माने शुद्ध भाव और शुभ भाव इन दोनों से मिलकर के मोक्ष की प्राप्ति होती है, हैं? किंतु उनका यह अभिप्राय ठीक नहीं है। यहाँ तो यह कहा जा रहा, बोले यहाँ लिखा तो है ना ज्ञान क्रिया न परस्पर तीव्र मित्री, तो कहते वहां तो ये कहा जा रहा है कि स्यादवाद की प्रवीणता से अर्थात स्यादवाद शैली में प्रतिपादित अनेकांतात्मक आत्मा का स्वरूप समझना, इसका नाम है स्यादवाद की प्रवीणता। अनुभव करना ज्ञान नय है और सुनिश्चल संयम और आत्मा में लीन हो जाना, आत्मा का ही ध्यान करना क्रिया नय है। क्रिया शब्द में ऐसे ही क्लियर दिखता ना कि कुछ करो कुछ करो कुछ करो, और ध्यान में कुछ करना दिखता ही नहीं है, ध्यान में क्या करते हैं, क्यों इसी में उसी में मन लगाते हैं, उसी में वचन लगाते हैं, उसी में काया लगा देते हैं, तीनों मन वचन काय आत्मा में लगा देते हैं, क्यों यही है ध्यान, मन में भी वही सोचते हैं, काय से भी वही करते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं, हैं? और वचन में भी बोलते हैं, तीनों यहाँ अंदर लगा दिए तो ध्यान हो गया। दृढ़ संग्रह में क्या लिखा, माँ चिट्ठई माँ जम्पई माँ चित्तई, वहां तो ये लिखा कि माँ चिट्ठई, चिट्ठई माने चेष्टा मत करो, माने काया से चेष्टा मत करो, फिर माँ जम्पई माने बोलो मत, और माँ चिंतई सोचो मत, बोलो नहीं सोचो नहीं यार,
आत्मा में रत रहो, इसका नाम ध्यान है। अब अपन क्लियर कहते हैं तीनों को में कुछ नहीं करो, बंद करना है, तो बंद करना धर्म हुआ ध्यान। और अपने कहते तीनों को उसमें लगा दो, तो तीनों को करो, अब फिर उल्टी होगी बात है? और उसका अर्थ भी कितना क्लियर है, लेकिन पंडित जी पूछेंगे भी अर्थ करेंगे कि मन को भी वहीं लगा दो, शरीर को भी लगा दो, वाणी को भी लगाओ, बोलो भी वही। वो नहीं बोलो है भाई साहब, बोलो कहाँ है, सोचो कहाँ है, जब तक सोचोगे तब तक तो वे बारह भावना कहलाती हैं, ऐसा लिखा है तत्वार्थ राजवार्तिक में। और जब वो ज्ञान के लेवल पे हो जाती हैं, माने बोलना सोचना मनना सोचना भी बंद हो जाता है, तो उसका नाम ध्यान है। अब तो हम तो नवे कारमंत बोल बोल करके हम तो ध्यान में बैठे थे घंटा भर से, नवो कारमंत बोल रहे थे और ध्यान में बैठे थे, अभी ध्यान की खबर ही नहीं है, ध्यान का स्वरूप ही पता नहीं है। अरे वो ध्यान 24 घंटा ध्यान करते, 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा इतना ध्यान करते हैं, अंतर्भूत में तो केवल ज्ञान हो जाता है। देखो अभी पढ़ते हैं आगे क्या, और सुनिश्चित संयम अर्थात वो आत्मा में ही लीन हो जाना, आत्मा का ध्यान करना क्रिया न है। अरे भाई आत्म ध्यान की क्रिया ही सुनिश्चित संयम है। तात्पर्य यह है कि आत्म ज्ञान और आत्म ध्यान से ही साधक दशा पूर्ण पूर्वक साध्य दशा प्रकट होती है। साधक दशा माने चौथे गुण स्थान से कौन से गुण स्थान तक, 14वें तक, और सिद्ध दशा वो साध्य दशा। उपाय क्या, साधक दशा पूर्वक साध्य दशा प्रकट होती है, माने उपाय पूर्वक उपेय तत्व प्राप्त होता है, मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष की सिद्धि होती है। साधक दशा में साध्य दशा में, साध्य दशा में माने मोक्ष में, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार वे अनंत काल तक सहज ज्ञाता दृष्टा रहते हुए अनंत आनंद को भोगते रहते हैं। अब कहीं कहीं तो ऐसा भी आता है, लिखा है, आता है मैंने लिखा है जिनवाणी में आता है कि तीन कषाय के अभाव रूप वीतराग भाव और महाव्रत आदि के शुभ भाव में भी मित्रता है, आता ना कहीं कहीं ऐसा आता है, ये सब मैंने बता दिया आपको, इसमें लिखा नहीं है, इसमें तो कम लिखा है, इसमें बहुत ज्यादा लिखा है, हैं? कहीं कहीं ऐसा भी तो आता है कि तीन कसाई के अभाव रूप वीतराग भाव और महाव्रतादि के शुभ भाव में भी मित्रता है, इस कथन का क्या अभिप्राय है? उत्तर, साधक दशा में तीन कषाय के अभाव रूप वीतराग परिणति अर्थात शुद्ध भाव और महाव्रतादि के शुभ भाव एक साथ पाए जाते हैं, यद्यपि उक्त दोनों भाव परस्पर विरोधी भाव हैं। देखो वो शुद्ध भाव धर्म है, उसका विरोधी भाव अधर्म होगा ना, तो महाव्रता अधर्म है, इसलिए एक शुद्ध भाव है और दूसरा अशुद्ध ऐसा विरोधी है, एक बंध के अभाव का कारण है और दूसरा सुबंध का कारण है, तथापि उक्त दोनों भावों में ऐसा विरोध नहीं है कि वे एक साथ रह ही ना सकें, वे एक साथ रह ना सकें ऐसा विरोध नहीं है, इसे बोलते हैं सह अवस्थान विरोध। साधक दशा में वे एक साथ पाए जाते हैं मात्र इतना बताने के लिए उनमें मैत्री भाव बता दिया है जाता है, इससे अधिक कुछ नहीं समझना। इतना स्पष्ट माने है मैं कुछ नहीं,
ये क्यों, ये अंत की पंक्ति क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वे कहीं से ऐसा भी निकाल के ले आएंगे कि जब बहुत स्पष्ट लिखा होगा उनने क्या, और अब किसी पंडित का ले आएंगे, फिर किसी भट्टारक का ले आएंगे, और भट्टारक अपने को आचार्य लिख देते थे, कभी तो उन्हें आचार्य का कहेंगे, ख्याल में आई ना? अभी एक तो उनसे लड़ने का उपाय ये है कि फिर आप सिद्ध करो ये तो भट्टारक जी का है, ये उनका नहीं है, सच्चा नहीं है। जैसे सामने वाले करते ना, हम पंडित को प्रमाण नहीं मानते, हम इसको प्रमाण नहीं मानते, हम इसको प्रमाण नहीं मानते, हम उन आचार्य को प्रमाण नहीं मानते, हम इन आचार्य को प्रमाण नहीं मानते, और ऐसे में कुंद का भी नाम आ जाता है। अभी अभी तुम्हारे बैनाना जी है ना अपने यहीं पड़ोस में, उनने जाकर के वहाँ दक्षिण भारत में बेलगांव में ये कहा कि कुंद भी पूरी तरह प्रमाणिक नहीं है, कुंद भी पूरी तरह प्रमाणिक नहीं है। माने वो रास्ता कितना खोटा है। शांति जी एक दफे आपने वो कहना शुरू की, और ये क्या कहते हैं कि कहा होगा क्यों झंझट में पड़ते हो तुम, कहो ना कि इतना है कि वो एक साथ रहते हैं, बस इसी को हमने मित्रता कह दी। अब अभी अपन कहते नहीं कि साहब आप उनको जानते हैं, किसी का भी नाम लें, अब उसे हमारा बिल्कुल भी 36 का आंकड़ा हो तो भी कहना, अरे साहब बिल्कुल हमारे मित्र हैं, हमारे पास में ही रहते हैं, ऐसा बोलते कि नहीं बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं, पीठ पीछे नहीं, आगे। दोनों जने यहाँ बैठे, उनने भाषण दिया पहले, उनने वो बात सिद्ध कही, तो दूसरा खड़ा होता है तो वो कहता हमारे मित्र में ये जो बात कही है उसके बारे में मेरा ये कहना है। वहाँ भी सबके सामने उन्हें मित्र कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो ये समझ लेना कि हमारे सज्जन में वे भी हैं, आत्मा हम भी हैं, दोनों जैन धर्म के अध्येता हैं, दोनों मतभेद है हो, लेकिन बस इस हिसाब की, इस स्तर की मित्रता है। तो आप ये बताओ कि उनने मित्रता यदि लिखी है तो हमें घबराना नहीं, अपने यहाँ है ना वो ये खाता व्यापारियों के होता है ना, एक खाता होता है व्यापारियों के यहाँ, कौन सा? कि शाम को पहले ऐसा था कि दिन भर व्यापार किया और शाम को हिसाब किताब मिलाते थे, यदि एक पैसा का भी हिसाब नहीं मिले, हिसाब मिलने का मतलब क्या, रोकड़ में भी उतना ही आवे लिखा हो और हमारे गल्ले में भी उतना ही हो तो हिसाब मिल गया। यदि गल्ले में 2 रुपये ज़्यादा हैं और रोकड़ में कम हैं, कि रोकड़ में ज़्यादा हैं गल्ले में कम हैं, तो हिसाब नहीं मिला। तो तब तक नहीं तुम जा सकते हो कि जब तक हिसाब नहीं मिल जाए, मुनीम नहीं जा सकते, घर नहीं जा सकते। अब गवर्नमेंट में शायद अभी भी ऐसा है, बैंकों में आपको बिल्कुल हिसाब मिताब मिला के जाना पड़ता है। उस जमाने में ऐसी कहावत थी कि बनिया एक पाई की भूल निकालने के लिए 10 पाई का घी खर्च कर देगा, घी की ज्योति जलाते थे ना, तो 10 पैसे का घी जला देगा, लेकिन 1 पैसे की गलती निकलनी चाहिए, वो नहीं रह सकती है। और नहीं मिले फिर तो क्या करें? तो एक खाता होता था, इसे बट्टा खाता बोलते थे, यदि पैसा बढ़ रहा है तो बट्टे खाते जमा कर देते थे, यदि घट रहा है तो बट्टे खाते नामे मार देते थे। तो उसका क्या अर्थ था कि आज हमें पता नहीं चला, तो कल एक आदमी आ गया कि भाई साहब मैं आपके यहाँ से सामान ले गया था और पैसा देना भूल गया, तो इसके 2 रुपया हैं ये आप ले लो, तो पता चल जाएगा कि जी इसके हैं, ये 2 रुपये जो कम हो रहे थे वो इसके थे, कि मेरे पास 5 रुपये आपके चले गए थे ज़्यादा, हाँ वो इसलिए कम हो रहे थे कि इसके पास चले गए थे, तो फिर वो बट्टे खाते जमा कर देते, समझ गए ना, बट्टे खाते नामे मार देते और बट्टे खाते जमा कर देते। तो ऐसे ही अपनी जिनवाणी के अकाउंट में एक बट्टा खाता है, और जब वो हमारा कोई संगति नहीं मिले, बहुत अभ्यास हम करें और रात भी बीत जाए और हम उत्तर नहीं निकाल पाए, तो उसे इस बट्टे खाते में डाल दो,
और जब आएगा जमा खर्च हो जाएगा। क्या क्या नाम है उस बट्टे खाते का? व्यवहार नय, व्यवहार नय। समझ गए ना? भूल चूक लेनी देनी वो हमें डालने, किसी अपेक्षा ऐसा भी होगा। अब किसी अपेक्षा बताओ ना, कौन सी अपेक्षा? कि भाई साहब अभी हमें पता नहीं है, जब मिलेगी जब बताएंगे, नहीं तो हमारे यहाँ वो अपेक्षा बताने की पद्धति भी है। और हम कह दें किसी अपेक्षा माने कथनचित, तो वो भी मान्य है, वो भी हमारे स्यादवाद में मान्य है। कथनचित कहेंगे और नहीं बता पाए तो भी, लेकिन वास्तव में तो बताना चाहिए और हमारे ज्ञान में तो वो होनी चाहिए, अन्यथा वो हमारा चिंतन हमारा ज्ञान सही नहीं है। हो गया ना? कहाँ उत्तर मात्र, इससे अधिक कुछ नहीं समझना। इस प्रकार इन कलशों में यही कहा गया है कि ज्ञान मात्र आत्मा में ही साध्य और साधक भाव होने से साधवादी को कोई बाधा नहीं आती। वो ज्ञान मात्र शब्द कहा तो उसी में साध्य है और उसी में साधक है। वो कोई बाहर साध्य साधक भाव दो द्रव्यों के बीच में नहीं है, एक ही द्रव्य में साध्य साधक भाव है। वो ज्ञान मात्र जो आत्मा है ना, तो जब वो साधक अवस्था में है तब साधक भाव है, वो साधक है। और जब वो सिद्ध हो गया तो वही सिद्ध है। तो अपन बोलते हैं ये सब साधक हैं। कौन है साधक? साधक कौन है? साधत निज आत्म सदा। अपनी आत्मा की साधना जो निरंतर करते हैं, ज्ञान ध्यान लवलीन, जो ज्ञान और ध्यान दोनों बात जाएंगी ना, ज्ञान ध्यान में लवलीन है, आत्मा की साधना करते हैं, वे साधक हैं। और वो सिद्ध हैं जिन्हें साधना पूरी कर ली है। ये जो प्रकरण है जो मैंने बोली है पंक्ति, इस साधु की परिभाषा में लगा, साधु कौन है? कि साधत निज आत्म सदा, ज्ञान ध्यान लवलीन, उनका नाम साधु है। अब इस कसौटी पे कसो, इस कसौटी पे तो कोई कोई कसता ही नहीं है किसी को। एक सच्ची घटना बता करके मैं खत्म करूंगा। जब मैं इंदौर में रहता था तो वहाँ एक महाराज आए थे, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया होगा, बिल्कुल अग्रवाल जाति के थे और उनकी आंखें बहुत मिचमिची थीं। अभी नाम इस वक्त मैं भूल भी गया हूँ। तो वहाँ पर वो आए और मेरे प्रवचन चलते थे मल्हारगंज के मंदिर में। तो महाराज बराबर बैठे, तो महाराज भी करते थे प्रवचन, मेरे भी होते थे। तो ना मालूम उनको क्या अंदर से सूझा, हमारी मित्रता हो गई थी बहुत ज़्यादा, फिर भी एक दिन बोलने लग गए कि नवी सागर नाम था कि पंडित जी ये बताओ हम में कोई गलती हो तो बताओ, हम में कोई गलती हो तो बताओ। तो मैंने कहा महाराज काय को इस चक्कर में पड़ते हो, अपनी बढ़िया चल रहा है, तत्सरता चलती है, प्रवचन हो रहे हैं। नहीं नहीं हम चाहते हैं कि हम वो सुधार लें, हम में कोई गलती हो तो आप बताओ तो हम वो सुधार लेंगे। तो मैंने कहा इस विकल्प छोड़ो, लेकिन नहीं माना। तो मैंने कहा कि सबसे पहली गलती तो यही है कि आपको इतना तीव्र राग क्यों आ रहा है कि मुझसे पूछ रहे हो आप कि हमें गलती बताओ, गलती बताओ, गलती बताओ। क्या आप सुने ना, ये यही है, ये कमी तो यही है। क्या मतलब आपको? वो मालूम उसका मतलब क्या था? मतलब ये था कि या तो हमारी गलती बताओ, अन्यथा नमस्कार करो। समझ नहीं ना हंसलाल जी? अब हमें गलती बताओ या हमें नमस्कार करो। हम नमस्कार नहीं करते हैं तो लोग देखते हैं तो वे समझते हैं कि हम में कोई गलती है, आप बता दो हम निकाल देंगे वो गलती। तो वो निरंतर क्या करना तुमको, इस विकल्प में क्यों उलझना, किसने किया किसने नहीं किया, आपको देखना ही क्यों?
देखने की जरूरत ही क्या, अगर सामने आगे दिख तो जाता ही है, फिर आंखें थोड़ी फोड़ लें, अरे दिख जाए तो दिख जाने दो, फिर उसे विकल्प को लंबाते क्यों हो, ज्ञान का गेय बन गया, जान लिया कि नहीं, झगड़ा खत्म, ये लंबाते क्यों हो उस विकल्प को है? इस उत्सुकता की क्या आवश्यकता है, शांति से अपना तर्क चर्चा होती है, आपको भी लाभ होता है, हमको भी दो बातें सीखने को मिलती हैं, तो आप उसको ये चर्चा करके उस चर्चा को क्यों बंद करना चाहते हैं? सहज भाव से चर्चा भी नहीं हम कर सकते, तो उसे कहते हैं कि भैया वे तो एक साथ रह ही नहीं सकते हैं, क्या है? कहो रहीम कैसे निभे कीर वीर का साथ, बी डोले रस आपने उनके अंगे से ना, देखो फिर बोलता हूँ, कहो रहीम कैसे निभे कीर वीर का संग, बी डोलत रस आपने उनके फाटत अंग, समझ में आया कुछ क्या नहीं? हिंदी तो तुम पढ़े हो यार, हिंदी कैसे नहीं आई समझ में, ये तो प्योर हिंदी है, है? क्या रहीम कवि कहते हैं, वो है ना जोधा अकबर में रहीम, वही रहीम था, ये रहीम कवि वही है, ये कौन है उसमें कोई, वो मिर्जा, वो भी मिर्जा भी कवि है, कहो रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, बेर समझते हो वो छोटी सी झाड़ी होती है जिसमें बहुत कांटे होते हैं और उसमें बेर नाम का एक फल लगता है, एक होता है ना बुंदेलखंड के जंगलों में छोटे छोटे बेर, और उनमें कांटे भी होते हैं ना, तो अपन बेर तोड़े तो कांटा चुभ जाता है, बेर तो वो हुआ, वो केर माने केला, केला कैसा है, इतने बड़े बड़े पत्ते, अब वहीं वहीं वो बेरी का पेड़ हो और वहीं केले का पेड़ हो और हवा चले तो वो केला का केले का पत्ता और बेरी का वो झाड़ी, दोनों झाड़ी टकराए तो वो उसमें कांटा है तो केले के पत्ते के दो टुकड़े हो जाए, समझ आए ना, फट जाते हैं, तो वो कहते कहो रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, उन दोनों का एक साथ रहना कैसे हो सकता है, क्यों कि बेडोलत रस आपने, वे तो अपनी मस्ती में मस्त है और उनके फाटत अंग, और उनका तो सारा शरीर चढ़ जाता है, तो दुष्ट की सज्जन की ऐसा है कि वे एक साथ कैसे रह सकते हैं, बेडोलत रस आपने, वे तो अपनी में मस्ती है अध्यात्म की में, और वो उनके कांटों से झुड़ झुड़ करके उनके अंग पार भाल डालते, तो रहीम कभी ने ये बात देखी क्या, वो तो ये कहते कि इनका कैसे, तो कहो रहीम कैसे निवे और रागता और बीत रागता को संग, राग दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं, लेकिन एक बगीचा हो, एक बेरी का पेड़ हो, एक कायदा का पेड़ हो, तो क्या उनके पास रास्ता है, वो तो जब तक वहां है तो उन्हें रहना ही पड़ेगा, जो भी होगा सो होगा, तो सह अवस्थान, वे एक साथ रहते हैं, तो इसको हम मैत्री कहते हैं, तो बड़ी मित्रता से रहते हैं, वे तो आराम से कुछ नहीं कहते हैं, है? क्यों, वो बेर केले के पत्ते को फाड़ देता है तो भी केला उसके ऊपर पंखा ढोलता है, गर्म मिजाज है ना, गर्मी आ गई ना तब तो ये किया है काम, तो ऐसे ढोलता है ना, तो उसको पंखा ढोलता है, अच्छी हवा लगती है, ऐसे निभ जाती है, उसमें क्या है, दुष्टों और सज्जनों की संगति भी एक साथ निभ जाती है,